नए चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार, खासकर शिक्षा जगत से और बिहार से। परीक्षा में पास किए थे 12,067 शिक्षक, मौखिक तौर पर इसकी तैयारी करने को कहा। सक्षमता परीक्षा पास करने वालों की जिला मुख्यालय में काउंसलिंग संभावित। दरभंगा का न्यूज है, ट्रेनिंग नहीं तो शिक्षकों की वेतन वृद्धि नहीं। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में, सोमवार से नई समय सारणी से विद्यालयों का होगा संचालन। सिद्धार्थ पलटन के पाठका का आदेश, शिक्षा विभाग में बदलल गया स्कूल निरीक्षक व्यवस्था। ये कुछ मुख्य समाचार जो आज का था वो देखे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग आवंटित जिले में ही हो सकती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस संबंध में अभी तक प्रदेश मुख्यालय में आदेश नहीं आया है, लेकिन मौखिक तौर पर इसकी तैयारी करने कहा गया है। बताया जाता है कि उत्तीर्ण शिक्षकों की इसी महीने ML अकेडमी परिसर स्थित नियुक्ति केंद्र पर काउंसलिंग होगी। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि जिला स्तर पर ही इन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया जाएगा। नए स्कूलों में व्यवस्थापन के साथ ही ये सभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, साथ ही सभी सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। पास करने वाले में सर्वाधिक 1116 शिक्षक सिंहवाड़ा के, जबकि सबसे कम 350 नए शिक्षक नगर निगम क्षेत्र से सक्षमता परीक्षा पास किए थे। लोकसभा निर्वाचन के तहत लगाए गए आदर्श संहिता का 6 जून को समाप्त हो गया। अब नियोजित शिक्षक काउंसलिंग एवं प्रदर्शन प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के बाहर के शिक्षकों की बाबत जानकारी नहीं दे रहे 1312 HM। ये देख सकते हैं, थर्मल प्रेशन जांच प्रारंभ, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक प्रखंड बेनीपुर से 650, उपस्थित 575, नगर 350, 204, सदर 1050, 662, बिरौल 1050, 946, हनुमान नगर 400, ये इस तरह से दिया हुआ है। ये जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।